गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिशा वी व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आज के वीडियो में मैं एक हेयर केयर का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हेयर, हेल्दी हेयर, नरिश हेयर, शाइन हेयर, किसे नहीं पसंद है? हम सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मैंने क्या यूज़ किया है? मैंने यूज़ किया है गाइस मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क विद 100% आर्गन एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन फॉर फ्रिजनेस फ्री हेयर एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। अगर आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं गाइस, तो आपको ज़रूरत है सिर्फ एक प्रोडक्ट की, वो है मामा अर्थ आर्गन हेयर मास्क। अच्छा, आर्गन क्या करता है? आर्गन आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है गाइस। जब आपकी जड़ें ही आपकी वीक रहेंगी तो आप कोई भी शैम्पू, कंडीशनर कुछ भी यूज़ कर लो, वो नहीं, मतलब हेल्दी नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले आपको रूट पे ध्यान देना, और रूट पे ध्यान तभी आप दोगे जब आप कोई अच्छा सा नरिशमेंट वाला हेयर ऑयल, हेयर मास्क, ये चीज़ अप्लाई करोगे। तो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया हुआ है मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क, इसको मैंने लगाया भी था, और अब उसके बाद ही का ये हेयर का वीडियो है। तो और अभी तो मैंने गाइस इसमें आयनिंग भी की हुई है, लेकिन ये इतने मतलब सॉफ्ट कर देते हैं मेरे बाल कि मतलब ऐसे आप फिंगर ऐसे करोगे ना, पूरी फिंगर आपकी स्लिप हो जाएगी। और जब आप इसको रेगुलर अपना यूज़ करोगे तो आपके हेयर स्ट्रांग होंगे। तो आप लोग देख रहे हो बालों की कंडीशन कितनी अच्छी है, मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत शाइनी और एकदम मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे मेरे बाल। सबसे पहले आप इसको पूरा देखना कि आप इसको अप्लाई कैसे करना है और कितनी देर तक आपको इसे लेना है और कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है, क्योंकि हर किसी के बालों की जो वो लेंथ रहती है वो अलग अलग रहती है। मेरे बालों में गाइस ये 2 times का था, अब आप लोग देख रहे हो इतनी इतनी लेंथ है, तो ये इतनी बॉटल ये मेरी 2 times की थी। एक बार मैं इसे लगा चुकी हूँ जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और गाइस, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कर देना जिससे उनको भी ये हेल्पफुल वीडियो पसंद है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अभी मैं यूज़ करूँगी आर्गन हेयर मास्क विद आर्गन एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन। तीनों चीज़ों को इसमें आप लोग को मिल रही तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके बालों को ना रिपेयर करेगा, फ्रिज फ्री करेगा, बाहर जाते हो बाल उड़े उड़े से रहते, टूट टूट से जाते, स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, मास्क ज़रूर लगाया करो, हर हफ्ते में एक बार आप लोग मास्क ज़रूर अप्लाई किया करो। नहीं टाइम मिल रहा है, 15 दिन में एक बार करो, लेकिन अपना ना एक हेयर केयर स्टेप रूटीन अपना बना के रखो तो मतलब अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे बाल। क्योंकि यार ये सब चीज़ें भी ज़रूरी, जैसे हमारी स्किन केयर ज़रूरी है वैसे हमारी हेयर केयर ज़रूरी है। अपने 2 हाफ में अपने बालों को डिवाइड करना है एंड उसके बाद आप लोग को इसको रूट टू टिप अप्लाई करना है। और इस मास्क के लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज दो, हॉट टॉवल लगा के रखो। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको मिल्क प्रोटीन, एवोकाडो ऑयल, कर्ड एक्सट्रैक्ट, आर्गन ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सेडवुड ऑयल, टी ट्री ऑयल, मतलब अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना तो ये भी वो रिमूव करेगा और मतलब अच्छा करेगा, हेल्दी करेगा। अगर आपके रूट स्ट्रांग होगी तो आपके जो हेयर ग्रोथ होगी वो भी। यूज़ दिस मास्क इन अ वीक। देखा फ्रेंड्स, आप लोग ने कितने अच्छे से इसने मेरे बालों को रिपेयर किया। अगर आप लोग डेली बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, नहीं टाइम मिलता है, घर में आप होम केयर करो, तो गाइस ऐसे मास्क आप अपने पास लगा के रखो, ला के रखो और उसको आप यूज़ करो। ज़्यादा तामझाम भी नहीं होगा, ज़्यादा फैलेगा भी नहीं, और बिल्कुल 1 step के रूटीन है, और ईजिली आपके जो हेयर है वो फ्रिजनेस फ्री हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो भाई, अब अगर आप अपने हेयर का ध्यान रखोगे ना तो पूरा आपका फेस जो है ना वो ओवरऑल अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप हमारे हेयर ही खराब रहेंगे तो गाइस हमारा फेस भी ऑन बहुत डल से लगता है, क्योंकि हेयर से हमारा पूरा लुक है। ठीक है, तो अपने हेयर पे खास ध्यान दो। मेरी प्लेलिस्ट हेयर केयर की चेक कर लेना, उसमें मैंने और भी हेयर मास्क मैंने डाला हुआ है, तो आई होप से कि आप सब लोग को पसंद आएगा। उसमें मैंने कैरेटिन वाला भी, हेयर स्ट्रेटनिंग का, हर टाइप्स के मैंने मास्क डाले, तो एक बार विजिट जरूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये वाला मेकअप लुक का अगर वीडियो चला गया होगा तो मेरा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स चेक इट।